हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डोर टू लर्न पर। आज हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 5 का मार्क्स 40 नंबर का करने वाले हैं। इससे पहले मैंने क्लास 5 का ही कंबाइंड एक्टिविटी टास्क करवाया है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। क्या बोला गया है? सड़क पार करते समय क्या करें? तो क्या करेंगे? आसपास नोटिस करने के लिए या सड़क पार करने के लिए दाईं ओर ध्यान देना होगा, या सड़क पार करने के लिए बाईं ओर नोटिस करना होगा, या अगर सामने का हिस्सा खाली रहता है तो सड़क पार की जा सकती थी। इसका आंसर क्या होगा? ए का 1 नंबर, ठीक है। नंबर क्या है? सड़क कहाँ से पार करनी है? तो सड़क कहाँ से पार करेंगे हम लोग? बी का 4 नंबर आंसर होगा, ठीक है। लिए हरी झंडी देखना, ठीक है। अब जेब्रा क्रॉसिंग में किस रंग की पट्टी होती है? तो क्या लिखेंगे? सी का 2 नंबर, सफ़ेद और काली धारियां होती है जेब्रा क्रॉसिंग में, ठीक है। फिर बोल रहा है कौन से रंग के प्रकाश संकेत वाहन को चलने देते हैं? डैश की रोशनी। तो कौन से रंग? डी का 3 नंबर, हरी बत्ती। फिर कोई ट्रैफिक सिग्नल लाल बत्ती के बाद पीली एम्बर लाइट को इंकित करता हुआ यह ड्राइवर से कहता है? ई का 2 नंबर, वाहन शुरू करने के लिए तैयार हो। कोई ट्रैफिक सिग्नल पीली एम्बर लाइट को बंद करने के बाद हरी बत्ती को इंकित करता है तो यह दर्शाता है कि एफ का 1 नंबर, तुरंत वाहन स्टार्ट करें। जी नंबर क्या है? देखिए, यातायात पुलिस की क्या भूमिका है? तो क्या होगा? जी का 1 नंबर, यातायात और पैदल चलने वालों के लिए आंदोलन की दिशा को इंकित करता है और कानून तोड़ने के लिए किसी भी मामले के लिए जुर्माना बदलता है। फिर एच नंबर क्या है? देखिए, पैदल चलने वालों के चलने का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? एच का 3 नंबर, फुटपाथ पर और फिर सड़क के दाहिनी ओर, जहाँ कोई फुटपाथ नहीं है फुटपाथ पर और फिर, ये लिखाएंगे, ठीक है, एच का 3 नंबर। आई नंबर क्या है? देखिए, जहाँ किसी सड़क पर फुटपाथ नहीं है वहाँ चलने का सही तरीका कौन सा है? तो क्या लिखेंगे? आई का 3 नंबर, दाईं ओर। दाईं ओर क्यों? देखिए, तो ये बोला गया ना, फुटपाथ नहीं है तो क्या करेंगे? पैदल चलने वालों का सही चलने का तरीका यही ना बोला गया था, तो बोला था फुटपाथ पर दाहिनी ओर, तो इसीलिए इसका भी आंसर दाईं ओर होगा। अंधे व्यक्तियों को सड़क पार करने में अधिकतम सहायता कौन प्रदान करता है? तो कौन? कोई भी व्यक्ति जो उस अंधे व्यक्ति के करीब रहता है, ठीक है, जे का 3 नंबर। अब बोला सही विकल्प चुने और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 10, तो क्या लिखा हुआ है? 10, डाइहाइड्रेशन हो और लूज मोशन हो रहा हो तो इसका इलाज करना चाहिए, दवा और पानी अधिक लें, ठीक है। फिर 2 नंबर क्या है? पर्याप्त पानी पिए और कवार भोजन से बचे, यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह और सकता है और यह अच्छा नहीं है। 3 नंबर क्या है? दस्त, ORS, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ORS, इंग्लिश में लिख दिया, आप लोग हिंदी में ऑप्शन में दिया हुआ ORS लिख सकते हैं हिंदी में। और पीने के पानी में मिलाना ना भूलें, ठीक से पियो, रोग को ठीक किया जा सकता है। 10, स्वच्छता बनाए रखें, जब आप बच्चे हो तो इन चरणों का पालन करें और कुछ भी नहीं डरें। 5 नंबर क्या है? देखिए, कंठमाला का रोग डैश एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करती है, आमतौर होगा यहाँ पे, ठीक है, आमतौर प्रभावित करती है और बड़े हो सकते हैं, यह एक चलन है। कंठमाला एक ऐसी बीमारी है, डैश में क्या लिखाएगा? कंठमाला। फिर 6 नंबर क्या है आपका? कंठमाला का रोग फूला हुआ गला, गाल और कोमल सूजन, जबड़ा, कान जिसके नीचे यह होता है, बहती नाक के साथ, सूजन, खाली जगह में क्या लिखेंगे? सूजन। फिर 7 नंबर क्या है? कंठमाला का रोग बुखार और सिर दर्द है और मांसपेशियों में दर्द भी है, पुनः खाना लापरवाह मत बनो, ठीक है। 8 नंबर क्या है? कंठमाला का रोग, इसमें सर्दी जुकाम जैसा बहुत हल्का लक्षण होता है, पुनः प्राप्ति समय 2 सप्ताह, थकान या पुराना। देखिए, इसमें ही ऑप्शन में दिया हुआ था, इससे लोग भरे ORS लिख दीजिएगा हिंदी में इसमें, ठीक है। 9 नंबर क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आग, किसी भी जगह जहां आग भय का कारण बनती है। 2 नंबर, आग बेवजह भागो मत, सड़क पर उतरो, समाचार को पास के दमकल तक पहुंचाएं।
तीन नंबर आग, अगर गैस की गंध नाक में आती है तो गैस बर्नर के नॉब को जल्दी से बंद कर दें, ठीक है, खाली जगह में क्या भरेंगे, गैस। फिर चार नंबर क्या है, खाना नीचे लाने के लिए कपड़े आंचल का इस्तेमाल करना खतरनाक है, इस्तेमाल करने के लिए चिमटे को पास रखें। आग, अगर गैस की गंध आती है तो दरवाज़ा खिड़की खोले जलते चूल्हे में मिट्टी का तेल ना डालें। सिक्स नंबर आग, हुकिंग बहुत अपराध और ख़तरनाक भी है। चित्रों को पहचानिए और कथनों को शब्दों में लिखिए, ठीक है, ये चित्र है इसके आधार पे हमको शब्द में लिखना है, क्या लिखेंगे, गैस की गंध नाक में लगते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए और नज़दीकी दमकल केंद्र में खबर भेजनी चाहिए, ठीक है, इसका ये लिखाएगा। अब इसका क्या लिखाएगा, जैसे ही गैस की गंध आती है हमें घर की खिड़की को खोल देना चाहिए और जलते हुए स्टोव में हम केरोसिन तेल नहीं डालना चाहिए, जलते हुए स्टोव में हमें केरोसिन तेल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अब ये इसमें क्या लिखिएगा, घर में मोमबत्ती और ढिबरी उपयोग करते वक्त सावधान रहना चाहिए, जहर मोनोऑक्साइड गैस घर में भर जाने से किसी की मृत्यु हो सकती है। फिर देखिए पाँच नंबर का क नंबर क्या है, कंठमाला के लक्षणों को अपने शब्दों में लिखिए, तो क्या लिखेंगे, एक नंबर चेहरे के दोनों ओर या एक तरफ दर्दनाक और सूजन लार ग्रंथियाँ, दो नंबर सिर दर्द, तीन नंबर शरीर में दर्द, चार नंबर थकान और कमजोरी, पाँच नंबर निगलने या चबाने के दौरान दर्द। फिर बोला दो नंबर टीके पे संक्षिप्त नोट्स लिखें, टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव है जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।